गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है कॉर्नर्स पे, ठीक है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि कॉर्नर पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो हमें कैसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए ऐसी तरह से धीरे धीरे जाइए और थोड़ा डिस्टेंस अपने मन मुताबिक बना के रखिए। और जैसे ही ओवरव्यू देखिए यहाँ क्रॉस होगा ना, उसके बाद आप सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अपने टर्न के बारे में, ठीक है। जब कभी भी हमें टर्न लेना रहता है ना, या तो वो लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है, और कंजेस्टेड रोड्स में, तो हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और चाहे हमें जितना भी लेफ्ट का जजमेंट आता हो, ठीक है, वो हमारा काम कब करता है, जब हम स्ट्रेट चल रहे होते, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मेरा वो जो सेंटर लाइनिंग है वो जिधर डायरेक्शन दे रहा है उधर से हमारा लेफ्ट वाला जजमेंट है। हम स्ट्रेट वे में या मान लीजिए थोड़ा इधर उधर हल्का फुल्का है तो वहां पे आराम से कैलकुलेट कर लेंगे और अपना लेफ्ट साइड का जजमेंट आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बट जब बात आती है टर्न पे, ठीक है, अभी मान लीजिए वो देखिए मैं वहां से टर्न लूंगा तो पिलर है, ठीक है। अब चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो राइट में तो देखिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम इधर से देख लेते हैं, ठीक है, हम इस तरफ से देख लेंगे तो हमें जजमेंट मिल जाता है, आराम से हम कंट्रोल कर लेंगे। बट लेफ्ट साइड का हमें जजमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है और हम जज भी नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि भैया हम लेफ्ट साइड जजमेंट करने में दिक्कत होती है कब, जब हम टर्न लेते हैं, ठीक है। आपने बताया कि ऐसे स्ट्रेट चलना है तो वो तो देखिए रोड पे कंटिन्यू हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब कभी भी हम टर्न लेते हैं ना, तो वहां पे हमारा कैलकुलेशन उतना वर्क नहीं करता, उतना काम नहीं करता है। और वो क्यों नहीं करता, क्योंकि वो वेरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मान लीजिए सामने पिलर है या कोई कार है, तो उस सिनेरियो में हमारे कैलकुलेशंस बदल जाएंगे और हमें डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट करके मोड़ना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी सारी ट्रिक्स के बारे में कि हमें क्या ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई करनी है जब हम लेफ्ट टर्न ले रहे हो, मेनली लेफ्ट टर्न के लिए, राइट टर्न भी दिखाऊंगा बट मेनली लेफ्ट टर्न के लिए। हमें लेफ्ट टर्न पे कैसे जजमेंट लेना है, कैसे हम आराम से जज करके टर्न ले सकते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे पूरा, ठीक है। गाइस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। अभी चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कार, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कार स्टार्ट कर ली है, फर्स्ट गियर लगाया है, क्लच रिलीज करते हैं, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए इधर मुझे लेफ्ट का जजमेंट है, बाइक खड़ी है, बट फिर भी थोड़ा हल्का हल्का ना इस तरफ लेके तब चलते हैं। अब मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं यहीं से इंडिकेटर दे दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए भैया लोग आगे जा रहे हैं, तो मुझे ये देखिए बहुत टर्न ना शार्प है, शार्प क्या कह सकते हैं आप, देखिए ये पिलर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब पिलर इनके बराबर आ जाए, ठीक है, यहां से ORVM के बराबर आ जाए और डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है, कि मान लीजिए कम से कम 2 फुट का डिस्टेंस हो। अब मुझे दिख रहा है कि हाँ डिस्टेंस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही बराबर आ गए ORVM ऑब्जेक्ट के हमारे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, यहां से हमें टर्न लेना है तो ORVM हमारा बिल्कुल बराबर है। अब हम यहीं से पूरा स्टेयरिंग घुमाते हुए मोड़ेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि पूरा आपने स्टेयरिंग घुमा लिया तब मोड़ रहे हैं, मुड़ वैसे भी जाएगी बट लेकिन आपको क्या करना है, आपको हल्का हल्का मूवमेंट करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते करते। और ये देखिए पिलर आराम से दूर मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं हुई और इस तरह से हम जो है आराम से ये देखिए टर्न ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हमारा जो है टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं आराम से और आगे देखिए अभी ऑटो आ रहा है ना, तो वो देखिए निकल जाता है, फिर उसके बाद हम आराम से चलते हैं। अभी हम किनारे दबा लेंगे क्योंकि वो निकल जाए, शायद निकल रहा अगर, अच्छा वो ऑटो को ना माल शायद उतारना है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहीं से टर्न ले लेते हैं, ठीक है। आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे हमें टर्न भी करना है, ठीक है। अभी देखिए ये कंजेस्टेड रोड है तो मैं इधर बिल्कुल किनारे तक आया, अब ORVM पे पीछे देख रहा हूँ कि हाँ जगह दिख जाएगी इधर से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। IRVM भी देखेंगे और आराम से ये देखिए इस तरह से भी आप पीछे देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता आप इस तरह से पीछे देख लीजिए। और यहाँ से ये देखिए आगे और पूरा टर्न लेंगे, 2-3 बारी टर्न लेना पड़ेगा तब हमारी गाड़ी जो है वो घूम पाएगी पूरी तरीके से। तो ये देखिए इधर आराम से अब क्या करेंगे, टर्न ले लेंगे आगे, ये देखिए अब आगे निकल जाएगी बट फिर भी क्या करते हैं हम आराम से इस तरह से हमने रोटेट करके टर्न ले लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब देखिए यहां से ऐसे ही जो आगे टर्न दिख रहा है ना लेफ्ट टर्न, आपको इन टर्न पे कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है बीच में, कोई भी रुकावट नहीं है आपके लिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप सिंपली ऐसे सीधे चलिए यहाँ तक जैसे ही रोड क्रॉस हो जाए, ठीक है, आपको लगे कि हाँ रोड क्रॉस हो गई है, अब मेन रोड आ गई है, अब यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहीं से आपको स्टेयरिंग जो है वो रोटेट करना है आराम से और वहीं से चलेंगे आगे। अभी देखिए ये गाड़ी हट जाती है ना तब फिर हम निकलते हैं लेफ्ट साइड।
तो ये देखिए इसी गाड़ी के पीछे ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड करते हुए और आराम से स्टेयरिंग का मूवमेंट करते हुए हम निकल जाएंगे। और ये कार खड़ी है, ये देखिए इसके बराबर आ रहे हैं, ओआरवी हम देख रहे हैं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से हमारी निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। और जब कभी भी आप टर्न लेना तो देखिए थोड़ा दूर से लिया करिए लेफ्ट साइड छोड़ के, तो उससे क्या होगा आपको एरिया मिल जाएगा। अभी देखिए मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस था तो आराम से मैंने टर्न लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। जहां पे अगर जगह है ठीक है तो वहां पे आप दूर से टर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहां पे थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है ना तो वहां आप निकाल सकते हैं पास से लेते हुए, आप वहां पे अपना ओआरवीएम से जजमेंट लेंगे ठीक है, ओआरवीएम से क्रॉस कर लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आराम से टर्न ले सकते हैं। अब अभी देखिए आगे सीधे चलते हैं और फिर मैं यहां से लेफ्ट टर्न आपको लेके दिखाता हूं और ट्राई करते हैं किसी और ज्यादा कंजस्टेड रोड में चलते हैं ताकि वहां और टर्न करने में मजा आए। तो अभी देखिए ये गाड़ी यहां पे खड़ी हुई है कॉर्नर पे ठीक है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि कॉर्नर पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो हमें कैसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए ऐसी तरह से धीरे धीरे जाइए और थोड़ा डिस्टेंस अपने मन मुताबिक बना के रखिए, और जैसे ही ओवरव्यू देखिए यहां क्रॉस होगा ना उसके बाद आप सेफली रोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से जगह होती है कि गाड़ी हमारी घूम जाएगी और गाड़ी बगल वाली की गाड़ी को टच नहीं करेगी। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ठीक है। अब यहाँ देखिए बलेनो में जैसे खड़ी है ना, तो मैं गया मुझे देखा कि उधर भी जगह कम है तो मैं इस साइड दबा रहा हूँ ठीक है, और मैंने देखा कि हाँ डिस्टेंस अच्छा खासा है, ओवरव्यू मेरा काफी दूर है तो मैं यहीं से पूरा ये देखिए इस तरह से चलता जाऊंगा और ओआरवीएम पे देख लूंगा। और अगर आपको ओआरवीएम पे नहीं दिख रहा ना तो आप थोड़ा और नीचे कर लीजिए, आपको पीछे का भी डिस्टेंस दिखता रहेगा। ये देखिए बलेनो से कितनी दूर है मेरी गाड़ी और आराम से मैंने टर्न ले लिया ठीक है। तो आप ओआरवीएम की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े, आपको पीछे का नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए यहां से राइट टर्न लेंगे तो राइट में तो इतना दिक्कत नहीं आती है क्योंकि राइट ना थोड़ा क्लोज होता है, थोड़ा पास होता है, तो हम आराम से ये देखिए इस तरह से भी मोड़ेंगे ना, पास से कोई कार भी खड़ी है पास से भी मोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हमारी गाड़ी मुड़ जाएगी, हम आराम से निकाल लेंगे। अब अभी देखिए बाइक खड़ी है और ये कार है, बट हमें जजमेंट है, आराम से हमारी गाड़ी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए मैं आराम से ऐसे धीरे धीरे निकालता हूँ, ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे निकालना है आपको, देखना है ओआरवीएम देखिए दूर है ठीक है, और पीछे ओआरवीएम पे भी दिख रहा है कि हाँ बाइक काफी दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आराम से निकाल लिया इस तरह से गाड़ी ठीक है। तो अभी ये देखिए आगे चलेंगे यहां से, आराम से इस तरह से आगे चलेंगे और आगे जाके ना आगे सामने वाली रोड पे जाएंगे क्योंकि वहां पे टर्न और ज्यादा शार्प हैं, तो आपको शार्प टर्न देखने को मिलेंगे तो आपको भी आइडिया लगेगा, आपको भी मजा आएगी और आप ट्राई जरूर करिएगा ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा। आप मान लीजिए सुबह निकल जाइए ऐसे देखिए गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं तो वहां आराम से कोशिश करिए, बट लेकिन सेफ साइड सेफ डिस्टेंस आराम से देख के ठीक है, कोई भी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में मत करिएगा ठीक है, क्योंकि गलती हमसे कहां होती है हड़बड़ाहट में। अब मैं आराम से अगर देखिए देखूंगा कि उधर क्रेटा है इधर स्कूटी है और डिस्टेंस मेरा ये देखिए निकल रहा है ठीक है, आगे वाला बोनट जो है निकल चुका है और ये देखिए ओवरव्यूम से थोड़ा दूर है, तो इधर मैं आराम से वो देखिए ओवरव्यूम से डिस्टेंस मेंटेन है, तो मैंने धीरे धीरे करके यहां से गाड़ी निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब ये देखिए एक टर्न है, शार्प टर्न है लेफ्ट का, तो यहां से लेंगे और लेफ्ट पे ही देखिए घुसते गाड़ी खड़ी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने राइट साइड थोड़ी ज्यादा लेके जानी है ठीक है, मैं ऐसे राइट साइड ले जाऊंगा उसके बाद सीधा कर लूंगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे अपना लेफ्ट वाला साइड बचा के रखना है ठीक है। अगर मान लीजिए आप कभी भी टर्न ले रहे हैं लेफ्ट अगर टर्न ले रहे हैं तो अपने राइट साइड गाड़ी ज्यादा रखिए अगर वहां जगह है तो, और कभी भी राइट साइड लेना है तो लेफ्ट साइड अपने जगह जो है वो ज्यादा रखिए जब वहां पे जगह अवेलेबल है ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल है बहुत ज्यादा क्लोज कॉम्पैक्ट है तो आपको कैसे निकालना, आपको ओवरवीएम से हेल्प लेनी है कि आपको थोड़ा थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ानी है और देखना है कि अगर ओवरवीएम टच नहीं हो रहा डिस्टेंस है आराम से निकल रहा है उसके बाद गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो इस तरह से कुछ जो है वो आपको टर्न पे ध्यान रखना है और टर्न पे गाड़ी चलानी है और आराम से टर्न लेना है ठीक है। आप थोड़ा अपना माइंड जो है वो शांत करके आराम से चलिए। और एक चीज और है कि आपको क्लच के ऊपर कमांड अच्छी तरह से आना चाहिए ठीक है, आपको क्लच कंट्रोल अच्छे से आना चाहिए ताकि आप धीरे धीरे जब निकालें ना तो आप हेजिटेट ना हो और गाड़ी बंद ना हो, पैनिक ना हो ठीक है। पैनिक कब हो जाते हैं, जब हमें डर लगने लगता है, अरे यार नहीं निकल रही है, कहीं फंस ना जाए, लड़ ना जाए, डर लगने लगता है अंदर मन से, तो हमारा डर हो जाता है, तब हम फंस जाते हैं वहां पे और हम आराम से जजमेंट नहीं ले पाते हैं और हमारी गाड़ी जो है वो लड़ जाती है या पैनिक सिचुएशन हो जाती है, हम आराम से डील नहीं कर पाते उसे ठीक है। तो इस तरह से तो हमें इस तरह से ड्राइविंग नहीं करनी है, हमें अपना माइंड जो है वो कूल रख के आराम से ड्राइविंग करनी है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और
हम आराम से अपना जजमेंट लेते हुए निकल जाएं। गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे टर्न लेना है, क्लोज गलियों में भी ठीक है, पतली गलियों में भी कैसे हमें टर्न लेना है, कैसे हम आराम से टर्न ले सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।